आगे बढ़ाते हैं। एसी में साथ ही साथ लिखते रहना साथ में, क्योंकि आज इंटरनेट की स्पीड कम है इसलिए मैंने उसमें नहीं लिया, पिछली सारी क्लासेस में डिस्टर्बशन हुआ है। तो एनीवे, एसी में अभी तक हम लोगों ने जो चीजें की हैं, जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था इन जनरल फेजर क्वांटिटीज होती क्या, आज उन सब का यूज होगा जो मैंने अभी तक पढ़ा है। फेजर का यूज होगा, पक्का यूज होगा। फेजर क्वांटिटीज में मैंने फेज डिफरेंस, लीडिंग, लैगिंग, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें कराई थी। फिर मैंने तुमको बताया था कि अगर फेजर क्वांटिटीज होती हैं तो इनको हम ऐड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी कराई थी। फिर मैंने बताया था कि एसी करंट अगर कहीं पे दे रखी हो, या फिर इन जनरल अगर कहीं पे वेरिएबल करंट दे रखी हो, तो उसकी एवरेज और आरएमएस का मतलब क्या होता है। फिर मैंने तुमको बताया था कि एसी की जरूरत क्या पड़ती है, व्हाट इज द नीड ऑफ एसी। और इसी में मैंने एक सब टॉपिक ऐड किया था ट्रांसफार्मर का, और ये ट्रांसफार्मर मैंने क्वेश्चन भी कराए थे और ट्रांसफार्मर की थ्योरी भी कराई थी। फिर मैंने कराया था एसी जनरेटर लास्ट क्लास में, बिल्कुल जहां पे छोड़ा था। और एसी जनरेटर में मैंने तुम लोगों को यहां तक करा दिया था कि हमको एक ईएमएफ मिल गया है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इन जनरल। याद करो जो लास्ट स्टेप आया था, अगर तुम याद करो तो कुछ ऐसा आया था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये याद है सबको, जो लास्ट में ये आया था। हाँ, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो साइनोसॉइडल ईएमएफ है, इसी के आगे बढ़ाते हैं। और इसमें तुम हेडिंग डाल सकते हो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सर्किट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सर्किट। सर आपने इससे पहले एक हेडिंग डलवाया था पावर पावर कंजप्शन कंजप्शन, केस। अच्छा पावर कंजप्शन डलवा चुका हूँ हेडिंग, और यस वो सर। कंप्लीट नहीं हुआ था, तो चलो पावर कंजप्शन कर लेते हैं। मुझे लगा मैंने यहाँ पे छोड़ा था, ये वाला पार्ट हो गया था, एनबी ओमेगा साइन ओमेगा डी वाला। ठीक, यस सर। चलो पावर कंजप्शन कराता हूँ। तो पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट, पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट, ठीक। एक एसी सर्किट है, उसमें हम लोगों ने सोर्स, सबसे मेन चीज होती है सोर्स। एसी सर्किट में एक सोर्स हमने फीड किया है जो कि एसी जनरेटर से आया हुआ वोल्टेज है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सिंस ये साइनोसॉइडल होता है, इसलिए हम लोग हमेशा इसको एक ऐसे दिखाते हैं, जैसे डीसी हम लोग दिखाते थे प्लस माइनस बैटरी की तरह, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, वैसे एसी का ये सिंबल बनाते हैं साइनोसॉइडल का, एक साइन वेव दिखा देते हैं। तो ये जब दिखाना, मतलब हमने एक ऐसा वोल्टेज डाला है जो अपना साइन और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज करता रहेगा। ये V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने एक सर्किट में डाला। अब एक सर्किट एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो एक ऐसा मिक्स टाइप का सर्किट है जिसको हम पूरा रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर को एक नाम दे देते हैं, लोड है। सर्किट में एक लोड है यहाँ पे जो कि कुछ भी हो सकता है, ये लोड है। और इस लोड पे रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर में तुमको मैं बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि करंट आएगी, तो खैर साइनोसॉइडल ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि करंट सेम फेज में आए, फेज डिफरेंस आता है। और फेज डिफरेंस क्यों आता है वो आज ही कराऊंगा, तो उसके लिए परेशान मत होना, बट फेज डिफरेंस आता है। और इसलिए हम लोग जो करंट को लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इधर प्लस फाइव और माइनस फाइव, डिपेंडिंग अपॉन जो फेज डिफरेंस है वो लीडिंग वाला है लैगिंग वाला है। लीडिंग लैगिंग बता चुका हूं। अब इस लोड में ऐसे समझ लो कि जैसे डीसी सर्किट होता था, तो डीसी सर्किट में जब हम वोल्टेज किसी डीसी रेजिस्टेंस पे लगाते थे, डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस के सिवा कुछ होता ही नहीं था, बैटरीज होती थी, रेजिस्टेंस होते थे, तो वहां पे डीसी सर्किट में हमारे पास पावर कंजम्पशन के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस होता था। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर सब कुछ है। अच्छा, कैपेसिटर और इंडक्टर डीसी सर्किट में उनका कोई रोल ही नहीं होता था, क्योंकि कैपेसिटर एक लिमिट के बाद जब चार्ज हो जाता है तो फिर वो करंट को अलाउ नहीं करता, पास ही नहीं करता, तो ओपन सर्किट बंद कर देता है। इंडक्टर जब सर्किट में करंट कांस्टेंट हो
तो फिर इंडक्टर में करंट चेंज ना हो तो उसमें एल डी आई बाई डी टी नहीं होता, तो इंडक्टर का भी कोई रोल नहीं होता। लेकिन एक एसी सर्किट में कभी भी वोल्टेज कॉन्स्टेंट नहीं है। तो अगर कोई कैपेसिटर लगा है, अगर कोई लोड के मैं बारे में बता रहा हूँ कि अगर लोड में कोई कैपेसिटर लगा है तो उसमें वोल्टेज अगर बदलेगा तो क्यू इक्वल टू सीवी से लगातार चार्ज बदलेगा, तो लगातार कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है। तो यहाँ पे इस लोड में कैपेसिटर जो है डीसी सर्किट की तरह डेड नहीं होता। इसी तरीके से इंडक्टर एसी सर्किट में डीसी की तरह डेड नहीं होता, क्योंकि एल डी आई बाई डी टी में करंट लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि साइनोसॉइडल है। अब अगर करंट लगातार चेंज होती रहती है तो एल डी आई बाई डी टी इंडक्टर का काम ही होता है करंट के चेंज को अपोज करना। तो इंडक्टर भी हर समय अपना रोल रखता है, इंडक्टर का भी हर समय अपना रोल रहता है। और रजिस्टर तो खैर करंट चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए उसको तो हीट प्रोड्यूस करनी करनी है। तो रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर सब कोई मिल के करंट में अपोजिशन पैदा करते हैं, और उस अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। हम लोग जिसको रेजिस्टेंस बोला करते थे डीसी सर्किट में, उसका इनलार्ज टर्म आता है एसी सर्किट में इम्पीडेंस, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड में आर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एल का भी कंट्रीब्यूशन होता है, सी का भी कंट्रीब्यूशन होता है। आर का कंट्रीब्यूशन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जैसा ही होता है जैसे डीसी में होता था, बट कैपेसिटर और इंडक्टर के कंट्रीब्यूशन को हम रिएक्टेंस बोलते हैं। कितना आएगा ये सब मैं बताऊंगा, बट कैपेसिटर का जो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको डिनोट करते हैं एक्सी से। और इंडक्टर का जो अपोजिशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको सिंबल दिया है एक्सएल। एक्स डिनोट करता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर करंट के फ्लो में कितना अपोजिशन दे रहे हैं, आर रेजिस्टेंस कितना अपोजिशन दे रहा है, इंपीडेंस इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, कितना आता कैसा आता वो आज ही क्लास में कराऊंगा तो उसके लिए परेशान मत होना। बट इतना याद रखना कि जेड आर एक्सएल एक्ससी ये सब के सब ओम में होते हैं। ये सब बिल्कुल वही है जैसे वी अपॉन आई करके हम लोग डीसी में आर लिखते थे, ये सब वी अपॉन आई के हैं डायमेंशनली, सब ओम में होते हैं। और इनफैक्ट ये जो आई नॉट लिखा है ये अगर सर्किट का हमें नेट ओम में इम्पीडेंस मिल जाए तो ये जो आई नॉट लिखा है ये कुछ और नहीं वी नॉट बाई जेड होता है, वोल्ट अपॉन ओम। तो ये एम्पियर में करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी। या अगर मुझे आरएमएस चाहिए होती तो ये आ जाती आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस बाई जेड। जेड में आर एक्सएल एक्सी सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में इसलिए नहीं आती क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर का कुछ रोल है, वो बताऊंगा कि क्या है। ये चीज अगर तुमको समझ में आ गई कि हमने एक वोल्टेज फीड किया है, एक हमें करंट मिल रही है जो कि एक फेज डिफरेंस पे रह रही है, वोल्टेज भी लगातार बदल रहा है, वोल्टेज भी लगातार टाइम के साथ बदल रहा है, और हमारी जो एसी सर्किट में करंट है वो भी बदल रही है बट सेम फेज में नहीं है, तो मैं कुछ फेज डिफरेंस दिखा रहा हूं, सेम फेज में नहीं है फेज डिफरेंस दिखा रहा हूं। तो जब वोल्टेज जीरो है तो करंट जीरो नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम नहीं है। तो ये जब वोल्टेज और करंट आगे पीछे चलते हैं, और ये देखो करंट और वोल्टेज के बीच में मैंने एक फेज डिफरेंस माना है फाई, क्योंकि इस फेज डिफरेंस का भी यूज होने वाला है, तो ये फेज डिफरेंस है फाई। अब देखो यूज क्या होने वाला है, मुझसे कोई पूछे सर्किट में पावर बताओ, मैंने तुम लोगों को अगर याद होगा तो मैंने तुमने बोला था कि कभी भी वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर, पता नहीं तुम लोगों को कहां से दिमाग में बैठा हुआ, तुम लोग एसी में बोल रहे थे बार बार। मैं तो तुमको ये बोल रहा हूँ कि वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर बाई आर तुम्हें लगाने को बोले ही किसने है? अगर वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर लगा रहे हो तुम बाई डिफॉल्ट तो गलत कर रहे हो। पावर का जनरल फॉर्मूला वी आई होता है, ये हर जगह लगता है। अब यहाँ पे अगर तुम एसी सर्किट में गलती से भी वी स्क्वायर बाई आर लगा दिए सीधे या आई स्क्वायर आर लगा दिए, गलत आंसर आएगा, क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला है नहीं, वो सिर्फ रजिस्टर्स के लिए लगता है, हर सर्किट के लिए नहीं लगता है। बट हर सर्किट के लिए पावर का ये फॉर्मूला P इक्वल टू VI जरूर लगेगा, क्यों? क्योंकि ये बेसिक डिफिनेशन से आता है। ये इस डिफिनेशन से आता है कि अगर Q चार्ज V के पोटेंशियल डिफरेंस पे चले तो उसमें QV का वर्क डन करना पड़ेगा, और पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट बन गया तो ये पावर बन गया VI। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि एसी सर्किट में किसी मोमेंट पे पावर कितनी है, तो मैं देखो V का ये फंक्शन और I का ये फंक्शन रख दूं, तो मैं रखने जा रहा हूं V रखा मैंने V नॉट साइन ओमेगा टी, और I मैंने रखा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव।
ये पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी मोमेंट पे, क्योंकि ये भी वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो भाई वोल्टेज लगातार बदल रहा है, तो किसी मोमेंट पे टी रखोगे तो ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पावर आया, ये मेरा क्या जनरल पावर है कि इंस्टेंटेनियस पावर है? इंस्टेंटेनियस है, किसी टाइम टी पे। अभी किसी टाइम टी पे है तो इसका मतलब पावर कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। अब पावर कभी कम है कभी ज्यादा है तो हम कौन सी पावर पे फोकस करें? तो मैं तुमसे बोलूंगा कि बेटा अगर पावर बदल रहा है लगातार, तो बेटा पावर की हम एवरेज वैल्यू पे फोकस करना चाहिए, एवरेज इन वन साइकिल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। लगातार वोल्टेज और करंट चेंज हो रहे हैं, पावर भी चेंज हो रही है, तो एक साइकिल। और तुमको मालूम है कि एसी सर्किट में ऐसा तो है नहीं कि साइकिल बहुत कम होती है। एक सेकंड में, तुमको मैंने लास्ट क्लास में अगर याद हो तो मैंने कहा था कि इंडिया में जो एसी करंट आती है वो एक सेकंड में 50 हर्ट्ज की होती है, एक सेकंड में 50 साइकिल हो जाती है। अब देखो हर साइकिल में कितनी बार पावर या वोल्टेज या करंट बदलते होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे दिन भर में जो लोड निकालेगा, भाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक बंदा है जो हमारे घर की कैलकुलेशन कर रहा है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो वो क्या करेगा, पावर इनटू टाइम करेगा। ये तो देखेगा कि हमने कितनी पावर कंज्यूम की और कितने टाइम के लिए कंज्यूम की, टाइम से मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे क्या होगा बचपन में कि एक बल्ब है वो अगर 10 घंटे तक चले और उसकी तुमने पावर दे रखी है किलोवाट में, तो किलोवाट आवर मतलब पावर इनटू टाइम कर दो तो किलोवाट आवर में यूनिट बन जाती है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। दिक्कत ये है कि ये लगातार पावर चेंज हो रही है और एक सेकंड में 50 साइकिल मतलब बहुत तेजी तेजी चेंज हो रही है। इसलिए हमें कोई मतलब नहीं कि पावर कब कम है कब ज्यादा, हम एवरेज वैल्यू एक साइकिल की निकाल लेंगे। हर साइकिल आइडेंटिकल है, और 50 साइकिल हो चाहे 100 साइकिल हो चाहे 10,000 साइकिल हो, जो एक साइकिल का एवरेज आएगा, क्योंकि रिपीटेटिव है बार बार वही है, वही ओवरऑल एवरेज है। जो एक साइकिल का एवरेज है वही ओवरऑल एवरेज है, और वही पावर के बेसिस पे सारी एनर्जी कंजम्पशन की कैलकुलेशन होती है। अभी एवरेज पावर आएगा कितना हमारा एक साइकिल पे, तो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हो, अगर कोई चीज वेरिएबल हो, जैसे आई का एवरेज कैसे निकालते थे, तो तुम बोलते थे आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। वी का एवरेज कैसे निकालते थे, इंटीग्रल वी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। तो पावर का एवरेज कैसे निकलेगा, इंटीग्रल पी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। एक साइकिल का टाइम पीरियड, एक साइकिल का टाइम पीरियड लिखते रहना साथ में, इंटीग्रल जीरो से टी पी, पी रख देता हूं, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव डी टी अपॉन जीरो से टी तक इंटीग्रल डी टी टी, यानी कि टाइम पीरियड ही बन जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लूंगा, वी नॉट आई नॉट, और ये बनेगा कुछ साइन ए साइन भी कुछ टाइप बनना है। अब साइन ए साइन भी बनना है, तो अगर मैं 2 यहाँ पे नीचे और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 डी टी लिमिट 0 से टी, और ये जो टाइम पीरियड है मैं यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर रख देता हूँ, वी नॉट आई नॉट बाय 2। अब टी भी है यहाँ पे, ये चीज 2 साइन ए साइन भी है, और 2 साइन ए साइन बी अगर तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ क्या लिखूं 2 साइन ए साइन बी को। बेटा बोलो, बेटा ये लिख सकते हैं? यस सर। तो इसी यही लिखने जा रहा हूँ बेटा, 2 साइन ए साइन बी है ये, 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। देखो cos of a minus b क्या बनेगा, cos a cos b plus sin a sin b, cos of a plus b क्या बनेगा, cos a cos b minus sin a sin b, तो minus minus plus होगा, cos a cos b वाला टर्म कट जाएगा। तो ये मैं, हाँ तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ 2 sin a sin b cos a minus b, इंटीग्रेशन अभी भी है, 0 से t cos a minus b। अब किसी को भी ये मान लो, किसी को भी मान लो, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, तो a से b गए, ओमेगा t से ओमेगा t गए, तो एक टर्म आ रहा है cos phi, dt अभी भी है, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दो तो 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5 डी टी। यहां तक जो है अगर कोई दिक्कत नहीं है
तो अब देखो फाई क्या था, फाई था वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस। फाई जो था फेज डिफरेंस एक एंगल है, जीरो होगा कभी 30 होगा कभी 90 होगा कभी 180 होगा 60 होगा, तो कॉस की फाई की वैल्यू कॉस 30 कॉस 90 कॉस 60 ये कांस्टेंट आएगी, ये कांस्टेंट है। बट ये कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई कांस्टेंट नहीं है, ये कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, मैंने तुम लोगों को याद है जब एवरेज वैल्यू निकलवा रहा था तो बताया था इंटीग्रल कॉस ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रल कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रल कॉस 3 ओमेगा टी डी टी, कॉस का कोई भी अगर तुम्हारा ले लो उसका एक साइकिल में इंटीग्रेशन करो एरिया, याद है एरिया के मेथड से, तो जितना प्लस एरिया होता था उतना माइनस होता था, तो बताओ ये वाला टर्म कितना आना चाहिए? जीरो जीरो आएगा। तो अब बचेगा कितना, तो अगले पेज में ले लेते हैं इसको, वी नॉट बचेगा, आई नॉट बचेगा, टू बचेगा, टी बचेगा और इंटीग्रल कॉस फाई डी टी बचेगा, तो कॉस फाई बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट है, और जीरो से टी इंटीग्रल डी टी बचेगा जो कि टी ही आएगा, टी से टी कट जाएगा, ये बचेगा वी नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाई। अब बस एक रीअरेंज कर लेते हो, मेरी एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला आ गया, रीअरेंज ये कर लें कि टू को रूट टू लिख लें, रूट टू इंटू रूट टू लिख लें, तो जो वी नॉट बाई रूट टू है, याद आया कुछ? VRMS वी नॉट बाई रूट टू डिराइव करवाया था, और आई नॉट बाई रूट टू IRMS, तो बस बन गया हमारा पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला। ये होता है एसी सर्किट में पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला, VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi, जहां पे VRMS है RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, IRMS भी उसी तरह से RMS वैल्यू ऑफ करंट, phi है फेज डिफरेंस, बट जो कॉस फाई है सिंस वो डिसाइड करता है कि सर्किट में कितना पावर कंजम्पशन होगा, तो कॉस फाई का एक नाम है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। इतना लिख लो तो मैं आगे बढ़ूं। पहला पेज लिख लिया था सबने? हाँ नहीं सर, नहीं सर पहले पेज लिखाइए। हाँ पहले से दिखा रहा हूँ, पहले से दिखा रहा हूँ इसीलिए देख लो, पहले से लिख लो सर। कैपेसिटर के अक्रॉस एसी सर्किट में रेजिस्टेंस मतलब सर कंटिन्यू क्यों रहते हैं? क्या कह रहे हो फिर से बोलो बेटा, कैपेसिटर के अक्रॉस एसी सर्किट में सर मतलब एसी सर्किट में कैपेसिटर डेड क्यों नहीं होता? अभी लाइन से मैं तीनों कराऊंगा, रेजिस्टर भी कराऊंगा, इंडक्टर भी कराऊंगा, कैपेसिटर भी कराऊंगा, वो पूरा तुमको बिहेवियर समझा दूंगा, ठीक है? तीनों का अलग अलग कराऊंगा। ओके ओके प्योरली रेजिस्टिव प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट अभी आज ही की क्लास में मैं कराऊंगा। इसको लिख लो, जब हो जाए तो बता देना डन, तो मैं अगले स्लाइड पे बढ़ जाऊंगा। इम्पीडेंस खाली इंडक्शन वाले को बोलते हैं कि पूरा एलसीआर तीनों को इम्पीडेंस में? इम्पीडेंस तीनों के नेट, इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज नेट अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, जबकि जो इन रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस सिर्फ इंडक्टर की वजह से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिर्फ कैपेसिटर की वजह से, इंपीडेंस नेट होता है।
ये पेज हो गया बेटा। बोले बेटा ये पेज हो गया। वन मिनट। यस सर। अच्छा इस ये वाला भी लिख लो। इम्पीडेंस की डेफिनेशन जरा दिखा रही हूँ। ठीक है। यस कॉस 2 ओमेगा टी जरूरत है मतलब बेटा अगर तुम याद करो जब हम एवरेज निकलवा रहे थे तो याद है इंटीग्रल कंप्लीट साइकिल के लिए। हाँ एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये भी तो देखो एक टाइम पीरियड ही तो है। यस सर। और कॉस का भी फंक्शन हो चाहे साइन का फंक्शन हो अगर एन ओमेगा टी के फॉर्म का हो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है इंटीग्रल कॉस एन ओमेगा टी डी टी या इंटीग्रल साइन एन ओमेगा टी डी टी तो बेटा मैंने बोला था कि उसको जीरो लेना दोनों को और जो स्क्वायर वाले कहीं मिल जाए तो उसको हाफ लेना। यस सर। यस सर। तो ये लिख लिया हो तो आगे बढूं? हाँ सर हो गया। नहीं सर बाकी है तो। अच्छा लिख सर आप IRMS इक्वल टू VRMS बाय Z कैसे लिखा? देखो बेटा मैंने ये बोला था एक लॉजिक कि जैसे मान लो डीसी सर्किट होता तो डीसी सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस अकेला करता था वो यहां पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर का नेट अपोजिशन करता है। अपोजिशन क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस क्या होता था? वी अपॉन आई होता था। तो वैसे यहां पे जेड होता है नेट अपोजिशन तो जेड होता है वी अपॉन आई के इक्वल। जेड होता है वी अपॉन आई के इक्वल बट वी और आई लगातार बदलते रहते हैं तो हर वैल्यू की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ नहीं होता है वो रिलेशन आरएमएस टू आरएमएस या पीक टू पीक। बात है कि रूट टू से अगर दोनों साइड तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो वी आरएमएस वी नॉट बाई रूट टू से सीधे वो एम्पलीट्यूड में रिलेशन आ जाएगा। तो ये सेम जो काम डीसी में रेजिस्टेंस करता था वो यहाँ पे काम जेड कर रहा है। जेड की डिफिनेशन ही यही नेट अपोजिशन मतलब नेट रेजिस्टेंस एक तरीके से नेट रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस वर्ड कंफ्यूजिंग ना लगे इसलिए उसको एक नया नाम दे दिया गया इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का भी मतलब वही होता है इम्पीड करना रोकना करंट को अपोज करना। सर इसी तरह आई एवरेज इक्वल टू वी एवरेज बाय जेड लिख सकते हैं? आई एवरेज इज इक्वल टू वी एवरेज बाय जेड बिल्कुल लिख सकते हो और आई एवरेज भी जीरो होती है इसी की वी एवरेज भी जीरो होती है सेटिस्फाई भी होगा। एसी सर्किट की आई एवरेज जीरो ही तो होती है वी एवरेज भी जीरो। बोलो बेटा ये लिख लिया तो आगे वाली स्लाइड। हाँ सर नेक्स्ट पेज। हाँ सर आगे के लिए ये वाला लिख लिया। नो सर। अभी मैं इसके क्वेश्चन और कराऊंगा तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा और मैं ये सर्किट कराने से पहले ही पावर क्यों करा रहा हूँ वो भी समझ में आ जाएगा। फेजर अलजेब्रा भी मैंने पहले कराई पावर कंजम्पशन भी पहले कराया ट्रांसफार्मर भी पहले कराया सिर्फ सर्किट बात के लिए छोड़ा है और मैं जब सर्किट करना स्टार्ट करूंगा तो फटाफट सर्किट सारे हो जाएंगे क्योंकि वो सबसे आसान पार्ट है।
सर अगर एलसीआर टी में तो लास्ट में दिया था पावर जीरो हो जाए। हाँ क्या बोलो बेटा, फिर से बोलो, सुन नहीं पाया था, दो लोग बोल रहे थे, एक एक करके बोलो। कह रहे हैं फेज डिफरेंस 90 होगा तो पावर जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ कॉस 90 जीरो होगा। हाँ हाँ दूसरा बोलो। बस सर यही बोल रहा था। अच्छा दूसरा भी कुछ बोला था, कोई दूसरा बंदा भी बोल रहा था तो दूसरा भी यही बोल रहा था। अच्छा ठीक, तो ये वाला पेज भी लिख लो। पावर फैक्टर होता क्या है? बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ये लिख लो, फिर इसके बाद जस्ट पावर फैक्टर पे फोकस करने आ रहा हूँ। ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं? ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कहाँ, जेई में? हाँ सर हाँ आएंगे, सिलेबस में तो है ही। क्यों मतलब ऑप्टिक्स अचानक से कैसे याद आ गया? नहीं सर थोड़ा ब्रॉड है सर सिलेबस, इसीलिए पूछ रहा था। हाँ ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंट। करें आगे बढ़े? हाँ सर सबने लिख लिया। तो देखो, पावर एवरेज पावर कंज्यूम इन एन एसी सर्किट इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब मैं तुमको बोलूं कि ये हमारे पास एक सर्किट है और वो उसमें कुछ फेज डिफरेंस है, से मैंने V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी फीड किया था और मुझे करंट मिल रही है फर्स्ट केस में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या दूसरा केस में ले लेता हूँ मुझे करंट मिल रही है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, और थर्ड केस में ले लेता हूँ मुझे करंट मिल रही है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब जैसे पहला केस है, तो पहले केस में मुझसे कोई पावर पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि एवरेज पावर होगी वी आर एम एस यानी कि वी नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस यानी कि आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव। अब देखो कोई फेज डिफरेंस नहीं, साइन साइन, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो ये बन गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस टी इज इक्वल टू वी आई जैसा। तो अगर ऐसा बनना है, और ये तब बनना है जब दोनों सेम फेज में थे, और तुमको मालूम है कि कॉस की जो वैल्यू होती है किसी भी सर्किट के लिए या किसी भी नंबर के लिए कोई भी एंगल के लिए, क्योंकि फाइव फेज डिफरेंस एक एंगल ही है, तो तुमको मालूम है कि कॉस फाइव जीरो से वन के बीच में ही लाई करेगा, माइनस में मत ले जाना क्योंकि हम जीरो से 90 डिग्री के बीच का एंगल ले रहे हैं, तो जीरो से 90 डिग्री के बीच में कॉस की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करेगी, जीरो सबसे छोटी है वन सबसे बड़ा है, तो जब ये कॉस जीरो की वैल्यू वन आ रही है तो हम बोलेंगे कि सर्किट में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है कब, जब फेज डिफरेंस जीरो हो, जब फेज डिफरेंस जीरो हो यानी कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो तो सर्किट में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है। अब वो फेज डिफरेंस जीरो कब आएगा वो करेंगे, बट अगर आए फेज डिफरेंस तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम है क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन। दूसरे केस में मान लो मेरे पास दूसरा वाला केस है जहां पे 60 डिग्री है, तो वहां पे कोई बीच की वैल्यू आएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, ये बन गया हाफ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब देखो पावर उतना नहीं आ रहा, कम आ रहा है, और इनफैक्ट जीरो से 90 डिग्री के बीच में कोई भी लेते, कॉस 30 लेते, कॉस 45 लेते, कॉस 60 लेते, कॉस 20 डिग्री लेते, वो उस केस में पावर मैक्सिमम से कम पावर आ रहा है, पावर जो है वो पी मैक्स से कम वैल्यू आ रही है, यानी कि कोई रैंडम फेज डिफरेंस होगा तो ये कम आएगा, और वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा कॉस फाई है वो वन से कम आया था। अब अगर थर्ड केस ले लें, इन केस हमारे पास करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाए, और ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस
प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। दोनों केस में P इज इक्वल टू वी आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाइ, कॉस 90 वाला टर्म आएगा, कॉस 90 इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस वाला टर्म आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो सर्किट में एक नई चीज होगी, करंट भी है वोल्टेज भी है बट पावर कंजम्पशन जीरो है। अब तुम देखो डीसी सर्किट में ऐसा कभी नहीं होता था, डीसी सर्किट में ऐसा कभी नहीं होता था कि करंट चले और पावर कंजम्पशन जीरो, क्योंकि डीसी सर्किट में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा भले कनेक्टिंग वायर का ही हो, तो आई स्क्वायर आर से हमेशा पावर लॉस होता था। बट तुमको मैं एसी सर्किट में ऐसे सर्किट बताऊंगा जहां पे वोल्टेज भी है लगातार, करंट भी है, बट स्टिल पावर कंजम्पशन जीरो है। पर ऐसी करंट को बाद में बोलूंगा कि वॉटलेस करंट बोलते हैं, वॉट मतलब पावर ना हो, वॉटलेस करंट, ऐसी करंट जिसमें पावर कंजम्पशन ना हो वॉटलेस करंट कहलाती है। तो वॉटलेस करंट जहां पे सर्किट में पावर कंजम्पशन जीरो है, और ऐसा तब होता है जब फेज डिफरेंस 90 का होता है। तो ये जो कॉस फाई की वैल्यू है, ये कॉस फाई की वैल्यू ही डिसाइड कर रही है कि सर्किट में पावर कंजम्पशन कितना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये एक फैक्टर है जो गवर्न कर रहा है कि तुम्हारी पावर कितनी आएगी, और पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई जीरो से बड़ा या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वन लाई करता है। तो ये जीरो से वन के बीच का एक नंबर है, 0, 0.2, 0.5, 0.8, 0.9, ये बताएगा कि सर्किट में पावर कंजम्पशन कितना हुआ। अभी फेज डिफरेंस से आता है, और फेज डिफरेंस कहां से आता है तो वो अभी हम लोग सर्किट करेंगे। पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि अलग अलग सर्किट में फाई बदलने से पावर कंजम्पशन बदल जाता है? यस सर। ठीक, तो लिख लो और ये वाला पेज लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं पावर कंजम्पशन का। सर यहाँ पर फेज डिफरेंस 90 से ज्यादा नहीं हो सकता? फेज डिफरेंस बेटा 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि करंट वोल्टेज इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, और क्यों ऐसा लाई करते हैं तो वो भी हम लोग करेंगे। बट इसके भीतर ऐसे 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 सारी पॉसिबिलिटीज है, बट इसके बियॉन्ड नहीं जाते, इसी के भीतर सारे निपट जाते हैं। ग्राफ ऐसे ही आएंगे, फंक्शन ऐसे ही आएंगे, और क्यों आएंगे तो वो भी हम करेंगे ना, अभी बस स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किट्स। हो गया? नहीं सर। तो आगे बढ़ रहे हैं, सबने लिख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज पावर इन द सर्किट जहां पे तुमको दे रखा है V इज इक्वल टू 220√2 साइन 100 πt। यही आता अपने घरों में, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, 220 अपने घरों में RMS होता है। 220 अगर RMS है तो पीक वैल्यू 220√2 होगी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो ओमेगा जो निकलेगा 2πf करके, 2π से 100π आएगा। करंट दे रखी है 5√2 साइन 100 πt प्लस से कुछ ले लेते हैं 45 डिग्री।
एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। और अगर जेड बता सको, वैसे जेड अभी मैंने बताया नहीं, बट अगर जेड बता सको तो और अच्छा है। पावर भी बताओ, जेड भी बता दो। जेड ओम में ही आएगा, सब वोल्ट और एम्पियर में। पावर 200 बाय रूट टू कितना बता रहे हो? 200 बाय रूट टू 2200। आवाज क्लियरली नहीं आ रही बेटा। 2200 बाय रूट टू 2200 बाय रूट टू ठीक। बाकी लोग बेटा कंफर्म करो, ये आ रहा है क्या? और जेड भी बता दो, जेड तो सीधे सीधे है, डिवाइड करना, उसमें फेज डिफरेंस का कोई रोल नहीं, सीधे सीधे। और पावर VRMS, VRMS कैसे निकालोगे? V नॉट बाई रूट टू, IRMS I नॉट बाई रूट टू, cos 45, रूट टू कट गए, 220 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन रूट टू। तो 220 इंटू 5 ये कितना आएगा? ये आएगा 1100 बाय रूट टू। ये आना चाहिए 22 बाय 100 बाय रूट टू, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा गलती से। अच्छा। अरे सर मैं डिप्ले कर दे, दोस्त जान नहीं पाया। अच्छा। ठीक है चलो, आप समझ में आ गए सबको? यस। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब कॉपी में हेडिंग डाल लो एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स और एसी सर्किट्स में इसमें मैं सारे कराऊंगा। एक ऐसा सर्किट कराऊंगा पहले जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसको बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव। फिर कराऊंगा प्योरली इंडक्टिव। फिर कराऊंगा प्योरली कैपेसिटिव। फिर उसके इसके बाद उसके कॉम्बिनेशन कराऊंगा। तो ये अगर R है, ये L है, ये C है, तो उसके कॉम्बिनेशन कराऊंगा RL, RC, R के साथ पहले, फिर LC, और लास्ट वाला जो सर्किट होगा वो LCR। LCR में भी दो कराऊंगा, LCR इन सीरीज और LCR इन पैरेलल। LCR इन सीरीज और LCR इन पैरेलल। ठीक, इतने सर्किट हैं, दिखने में ऐसे लग रहे कि बहुत ज्यादा हैं, बट सिंपल सी चीजें। और शुरुआत के जो तीन सर्किट्स हैं ये बेसिक सर्किट हैं। इन बेसिक सर्किट को यूज करना है। और जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था फेजर सम, अगर नहीं भूल रहे हो तो तुम हर चीज समझ में आ जाएगा। और मैंने वो टाइम पास के लिए नहीं बताया था फेजर सम, यूज के लिए बताया था, और वो यूज होगा यहाँ पे, अच्छे से यूज होगा। तो सबसे पहले करते हैं केस वन डालना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एक सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, ना इंडक्टर ना कैपेसिटर, ऐसा कोई सर्किट है। ये हमारा एसी सोर्स लगा है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट जा रही है सर्किट में, करंट जा रही है सर्किट में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बल्ब जैसा, और ये इसमें करंट जा रही है, मुझे नहीं पता, मैं भी मान लेता हूँ आई इज इक्वल टू
I naught sin omega t plus 5 के फॉर्मेट की करंट मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता वो तो निकालनी। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो सबसे पहली बात कि कोई भी सर्किट हो उसमें तुमको किस बेसिस पे चीजें एनालाइज करनी है, तो जो जनरल लॉज है, जैसे मैंने बोला पावर इज इक्वल टू वीआई हर जगह लगेगा, तो वैसे मैं तुमको अभी एक और चीज बोलने जा रहा हूँ कि जो हर जगह लगेगा, डीसी सर्किट हो या एसी सर्किट हो, उन एनर्जी कंजर्वेशन तो जनरल लॉ है, और एनर्जी कंजर्वेशन पे तुमने एक लॉ लगा निकाला होगा, याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ। और याद है किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और किरचॉफ सेकंड लॉ जिसमें हम वोल्टेज नेट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड गेन इन ए क्लोज लूप जीरो करते थे, याद है किरचॉफ सेकंड लॉ? सेम चीज यहाँ करने जा रहे हैं, किरचॉफ लॉ यहाँ पे भी लगते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे भी होल्ड करेगा भाई, चार्ज एक ये एक कंजर्वेटिव चार्ज एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, तो ये जब तुम्हारा घूम फिर के क्लोज लूप में आएगा तो टोटल वर्क डन जीरो होगा, और टोटल वर्क डन जीरो होगा तो उसी से हम लोगों ने एक किरचॉफ लॉ निकाल लिया था सिग्मा वी जीरो, तो वही चीज यहाँ लगाने आ रहे हैं। तो मैं करने जा रहा हूँ, इसको मैं प्लस माइनस लिख लेता हूँ, ये अलग बात है कि वो अल्टरनेट होता रहता है, बट यहाँ से मैं वोल्टेज लिखने जा रहा हूँ माइनस से प्लस की तरफ जाते हुए। क्या लिखा मैंने वोल्टेज? वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर ये रजिस्टर में जा रहा हूँ, ये भूल जाओ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, भूल जाओ अभी इसको भूल जाओ, यहाँ पे मैं सिंपली आई लिख दे रहा हूँ। मुझे बताओ क्या लिखें, प्लस आई आर लिखें कि माइनस आई आर लिखें? माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, घूम फिर के वहीं आगे, ये बताओ ये लूप की इक्वेशन सही लिखी है? Yes. अगर ये सही लिखा है तो इसका मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, और अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी आई आर है तो आई को लिख सकते हैं वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, पूरे यहां तक कोई दिक्कत? लिख लो यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ू। सर ये वी में आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चूज किया? बेटा वी पॉजिटिव नेगेटिव ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैंने तुमको बताया कि ऐसे लिखेंगे, हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो तुम अपने समझने के लिए था, हम सिर्फ इतना इतना कर रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने पे वोल्टेज लिख रहे हैं, वो वी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये खुद ही साइनोसॉइडल है, वो अपने आप प्लस है कभी माइनस है, वो तुम्हारी टेंशन नहीं कि यहाँ पे जाने पे वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, अगर प्लस है तो प्लस आने दो, माइनस है तो माइनस आने दो, एज इट इज उठा के रख दिया, एज इट इज रखा, ये प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, जितना भी है वो रख दिया, ठीक। बाकी तो ये साइनोसॉइडल है, तुम्हारी पोलरिटी बदलती रहती है लगातार, तो ये प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब ही नहीं था, बट वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था कि जैसे वहां जाते थे माइनस से प्लस वोल्टेज गेन लिखते थे, ये अलग बात है कि यहाँ पे वोल्टेज गेन कभी प्लस है कभी माइनस है, तो अपने आप वो साइन पकड़ लेगा, साइन की वैल्यू जब माइनस होगी तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा वो। यस सर, मतलब जब नेगेटिव होगा तो अपने आप आईआर पॉजिटिव ले लेगा, अपने आप वो साइन ओमेगा टी नेगेटिव ले लेगा ना वैल्यू, टाइम बढ़ेगा, साइन 0 से 180 के बीच में थीटा पॉजिटिव है, 180 से 360 नेगेटिव ले लेगा, वो अपने आप नेगेटिव ले लेगा। सर तो एक्सप्रेशन में माइनस और नहीं आ जाएगा? नहीं वो अब उसकी वैल्यू है, उसमें तुम बाहर से माइनस क्यों लगाओगे? अगर ये माइनस आ ही रहा है तो उसमें तुम बाहर से माइनस अपनी तरफ से क्यों लगाओगे भाई? अगर ये प्लस 5 वोल्ट दे रहा है तो 5 इज इक्वल टू आईआर, अगर ये माइनस 5 दे रहा है तो माइनस 5 इज इक्वल टू आईआर, तो ऐसा थोड़ी ना कि माइनस 5 आईआर है तो तुम उसमें बाहर से एक और माइनस लगा दो भाई, माइनस 5 इज इक्वल टू आईआर में जो आ रहा है आने दो, आई नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है, तो उसको नेगेटिव बाहर से लगा के तुम उसे क्यों अल्टर उसको चेंज करना चाहते हो? यस सर। तो अब लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं सबने? यस सर। ठीक सर। हां आई इज इक्वल टू आया था मेरा बेटा वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, तो मुन्ना ये बताओ सब लोग कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करूं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव से, या अगर मैं और ज्यादा स्टैंडर्ड ले आऊं आई नॉट को लिख लूं वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव से कंपेयर करूं, तो बताओ बेटा देख के जेड का काम कौन कर रहा है और फाइव का काम कौन कर रहा है? जेड का आर कर रहा हो, फाइव का जीरो। इसका मतलब है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में
इम्पीडेंस कुछ और नहीं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इम्पीडेंस कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही होता है, और वो रेजिस्टेंस कुछ ओम में होगा, तो यानी कि इम्पीडेंस भी ओम में होता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि इम्पीडेंस ओम की डायमेंशन और यूनिट का, क्योंकि एक ही टाइप की चीज है। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, जेड इज इक्वल टू आर होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो अब जरा थोड़ा सा पुरानी चीज बताओ, याद है मैंने तुमको सेम फेज का कुछ मतलब बताया था जब मैंने तुम लोगों को एक क्लास ली थी और बोर्ड पे बना के बताया था, एक हॉल था, आवाज गूंज रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन सेम फेज का मतलब याद है कुछ? सेम फेज का मतलब क्या हुआ? सेम फेज का मतलब है बेटा, जब वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, इसको बोलते हैं सेम फेज। बिल्कुल उसके बिल्कुल उसको उससे करस्पॉन्डिंग ये है सेम, जब वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, ये बिल्कुल सेम फेज है, जब ये रिवर्स मैक्सिमम तो ये रिवर्स। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस की वजह ही नहीं है, साथ साथ चलते हो, यही तो डीसी सर्किट में करते थे। तुमने कभी ये फेज डिफरेंस कुछ वर्ड ही नहीं सुना था डीसी में, एसी में भी नहीं है, रेजिस्टेंस में सब कुछ सेम फेज में है। और फेज डिफरेंस जीरो का देखो ये सामने है, जेड इज इक्वल टू आर है, जितना रेजिस्टेंस है वही इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। और अगर फाई जीरो है तो कॉस फाई पावर फैक्टर वन, पावर फैक्टर वन का मतलब है कि पावर अपनी पूरी ताकत से रेजिस्टेंस में खर्च हो रहा है। रेजिस्टेंस एक एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस ही तो होती है। रेजिस्टेंस अगर कहीं पे लगा होता, रेजिस्टेंस का काम रेजिस्ट करना, अपोज करना। तो जब किसी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस है तो वो एनर्जी को अपोज कर रहा है। तुम बोलोगे हर चीज ही तो अपोज करती है ना, कैपेसिटर कब बोला गया कि एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है? कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इंडक्टर कब बोला गया कि एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है? ना, इंडक्टर तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, वो नहीं पावर कंजम्पशन कराते हैं, पावर कंजम्पशन रजिस्टर कराता है और मैक्सिमम रेट से कराता है। अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे और पावर कंजम्पशन आएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई की वैल्यू वन। अब तुम चाहो तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को लिख दो, आई आर एम एस को लिख दो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, और जेड के नाम पे यहाँ पे सिर्फ आर ही है, तो ये तो वही बन गया वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। लेकिन ये याद रखना, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाई, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए बार बार बोलता हूँ इसको हर जगह मत लगा दिया करो, लेकिन यहाँ लग रहा है। इसी तरीके से अगर वी आर एम एस को लिख लेते आई आर एम एस इंटू आर, तो आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस ये बन जाता आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो ये भी फॉर्मूला है रेजिस्टिव में, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, जिससे चाहो कर लो, जिससे चाहे कर लो, ये भी है, ये वाला ज्यादा सही रहेगा। अब अगर मैं तुमसे एक चीज बोल दूं कि फेजर के टर्म्स में लिखो, फेजर फिगर बनाओ, याद है फेजर में हम चीजों को वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में दिखाने जा रहा हूं। V is equal to V naught sin omega t में जो वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड V naught है, तो एक वेक्टर दिखा रहा हूं V naught, और ये x एक्सिस के अलोंग दिखा रहा हूं क्योंकि ये रेफरेंस है। अब I is equal to I naught sin omega t, कोई फेज डिफरेंस नहीं रख रहा है, कोई फेज डिफरेंस नहीं रख रहा है, तो I is equal to I naught sin omega t भी इधर ही आएगा, वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी बट I naught वाला वेक्टर भी इधर ही आएगा। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेम फेज, दोनों वेक्टर एक ही तरफ दिखाते हो। छोटी क्यों है सर I naught की? बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, क्योंकि I naught is equal to V naught by Z है। अब Z मान लो 1 से बड़ा हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो V naught by 2, V naught by 3। रेजिस्टेंस में पावर फुल मैक्सिमम कैपेसिटी से पावर कंज्यूम होता है। अभी और सर्किट कराऊंगा तो तुम देखोगे कि हर जगह ऐसा नहीं होता कि फुल कैपेसिटी से पावर कंज्यूम हो।
सर यहाँ पर पावर कंजप्शन का मतलब पावर लॉस सही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जूल हीटिंग वाला। यस लिख लिया। यस सर, आगे बढ़ जाओ ना। यस यस सर। चल एक क्वेश्चन जल्दी से बता दो, फिर मैं दूसरा सर्किट कराऊं। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वी तुमने फीड किया है 220√2 साइन 100 पाई टी, और ये एक सर्किट में जा रहे हैं जहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का और कुछ नहीं दे रखा। तुमको बताना है क्या क्या बताना है, आई नॉट, आई आर एम एस, तुमको बताना है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तुमको बताना है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल, तुमको बताना है फेज डिफरेंस, तुमको बताना है पावर फैक्टर, सारी चीजें बतानी। फिर तुमको जब ये बना लो तो मुझे बताना करंट एट टी इज इक्वल टू 1 और करंट एट से टी इज इक्वल टू 2, ये दो मोमेंट पे करंट बतानी, इंस्टेंटेनियस करंट। फिर बताना है एवरेज करंट, इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत हो जाएंगे तो ये ज्यादा नहीं है। एवरेज करंट RMS पूछी लिया था, I not यानी कि पीक करंट पूछी ली थी, एवरेज करंट इन वन साइकिल और एवरेज करंट इन हाफ साइकिल, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए बस इस बार। सर आई नॉट जो है 22√2 आएगा। सर आई आर एम एस 22 आएगा। बाकी कर रहे हो अभी? यस सर। कर लो आराम से कर लो। फेज डिफरेंस ही लोग। हाँ प्योरली रेजिस्टिव फेज डिफरेंस, मैंने बोला ज्यादातर क्वेश्चन इसमें टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम वैल्यू बता सकते हो। कॉस 5 1, फेज डिफरेंस 0 होगा ये सब लोग बता सकते हो, कॉस 5 1 होगा ये भी तुरंत सब लोग बता सकते हो, एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 0 होगी क्योंकि आएगी तो साइनसोइडल ही ना, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में 2i0/π, और i0 की वैल्यू कितनी आ रही थी, i0 की वैल्यू v0/z, z यहाँ पे r है, तो 220√2/10 यानी कि 20√2, तो 2 × 22√2/π 44√2/π, i0 आ गया, irms irms i0/√2 होता है, तो 22 एम्पियर। हाँ अब मुझे सिर्फ ये पावर बता दो और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दो तो टी इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पावर बताओ पहले कितना आ रहा है वॉट में, तुम चाहो वीआरएमएस आरएमएस कॉस 5 से कर लो, या अगर रेजिस्टिव सर्किट अभी थोड़ी देर पहले किया आईआरएमएस स्क्वायर आर से कर लो। आईआरएमएस स्क्वायर आर से करोगे तो बड़ा आसान सा दिख रहा है मुझको, 22 × 22, आर की वैल्यू 10, 22 × 22, 22 का स्क्वायर 484, 4840 आ रहा है क्या? 4840 यस सर। और सर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो 22√2 sin 100 pi t आएगा। हाँ तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम i0 लिखो 22√2 sin, अब फेज कोई डिफरेंस है ही नहीं तो सीधे सीधे 100 पाई टी लिख दो, तो बस ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है 22√2 sin 100 pi t, ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
और अगर ये आ गई एक बार और सर तो करंट t is equal to 1 और t is equal to 2 दोनों पर जो है वो 0 ही आएगी, 0 आएगी बिल्कुल सही, क्योंकि t 1 रखोगे तब 100 पाई 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल sin 0 0, और 2 रखोगे sin 200 पाई तब भी 2 पाई का मल्टीपल तब भी 0, तो करंट दोनों इंस्टेंट पे 0 0 आने चाहिए, और ये किसी भी मोमेंट पे निकाल सकते हो। एक बार तुम्हारे पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो बेटा जिस टाइम पे चाहो उस टाइम पे करंट निकाल लो टी रख के। यस सर, बोलो बेटा समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? हाँ सर। सर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालो? बेटा करंट का मुझे ये बताओ, क्या एसी सर्किट में करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव जनरल एक्सप्रेशन होता है? यस सर। क्या आई नॉट तुमने खुद ही 22√2 बताया था? यस सर। फेज डिफरेंस तुमने 0 बोला था, तो बस रख दो ओमेगा टी 100 पाई टी है ही, देखो ओमेगा टी ये तो 100 पाई टी। ओके सर। तो एक चीज और बस मुझे बता दो, इसका मतलब है कि एवरेज पावर अगर आ रही है कंज्यूम रेजिस्टिव में आई आर एम एस का स्क्वायर आर, तो इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट आधी साइकिल में इधर जा रही है और आधी साइकिल में इधर जा रही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से रेजिस्टेंस में जूल हीटिंग का कोई लेना देना नहीं। भाई करंट किधर भी जाए जूल हीटिंग तो होगी, जूल हीट की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है कि इधर जाए तो प्लस 10 जूल है, इधर जाए तो माइनस 10 जूल है, तो वो तो इधर भी जाओगे 10 जूल है, इधर भी जाओगे 10 जूल है, इसलिए जूल हीटिंग हमेशा पैदा होती है, इसलिए एक रेजिस्टिव सर्किट में करंट की डायरेक्शन बदलने से पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अब मैं तुमसे एक चीज पूछने जा रहा हूं, ये बता दो तो मेरा रेजिस्टेंस का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक एसी सर्किट में लगा हुआ है, मैंने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया या अमीटर लगाया, ये वोल्ट मीटर है, और ज्यादा अच्छा है कि मैं अमीटर लगा दूं तो तुम्हें ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। एक अमीटर लगाया सीरीज में, ये मैंने अमीटर लगाया सीरीज में मीटर लगाया, और ये नॉर्मल अमीटर है जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाले पढ़े थे तुमने। मुझे ये बता दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कौन सी करंट की वैल्यू देगा? कौन सी करंट? अच्छा ये याद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसे गैल्वेनोमीटर जिनमें कॉइल होती है और मैग्नेटिक फील्ड में घूम जाते हैं, जब वो करंट कॉइल पे एक वो स्प्रिंग पॉइंटर लगा होता है, कुछ याद आ रहा है? सर करंट का कम वैल्यू उससे निकाल सकते हैं। मैं एक्चुअली कुछ और पूछना चाहता हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल याद है? NIAB = C∅A, टॉर्क एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसमें ऐसे एक कॉइल होता है ऐसे 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 ऐसे, और इस पे एक स्प्रिंग लगी होती है और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, और ये पॉइंटर पे ऐसे तुम रीड कर लेते हो वैल्यू। अब ये बताओ एक एसी अगर करंट लगा दी जाए, यहाँ पे डीसी में तो तुमने काम किया था, अगर एसी करंट लगा दी जाए और वो पहले इधर जाए करंट, मतलब जैसे क्लॉक और फिर एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एक सेकंड में 50 बार क्लॉक एंटी क्लॉक करे, तुमको याद है इसमें एक टॉर्क, इसका एरिया वेक्टर निकालते थे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे, इसमें एक टॉर्क लगता था एम क्रॉस बी, याद है कुछ? यस सर। अब मुझे ये बताओ जैसे क्लॉक है तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी और जो एंटी क्लॉक है टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी कि अलग अलग होगी? सर अलग अलग। तो ये एक सेकंड में 50 बार क्लॉक भी घूम जाए एंटी क्लॉक भी घूम जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? सर ये बार बार डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। बार कितनी? अच्छा एक सेकंड में 50 बार ये ऐसे डायरेक्शन चेंज कर पाएगा? प्रैक्टिकली फिजिबल है? No. अब मैं तुमको बता रहा हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डू नॉट वर्क इन एसी सर्किट। तुम्हारी बुक में एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए, पूछ लेते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखेंगे उसकी रीडिंग पूछ लेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एसी सर्किट में काम ही नहीं करते, जब लगातार करंट ऐसे ऐसे आती रहती है तो कॉइल वहीं बनी रहती है, चली नहीं पाती। एसी सर्किट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा दो तो वो चली नहीं पाते, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करते, नो डिफ्लेक्शन,
दे ऑलवेज सो जीरो डिफ्लेक्शन. और वैसे भी जब ये करंट लगातार चेंज होगी तो ये इसकी एवरेज वैल्यू देगा और एवरेज वैल्यू देगा जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा. इसलिए हम लोग जब भी एसी सर्किट में गैल्वेमीटर यूज करने की बारी आती है तो एसी सर्किट में ऐसे गैल्वेमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर टाइप यूज ही नहीं करते. हम लोग एक नए टाइप के गैल्वेमीटर बनाते हैं जिनको बोलते हैं हॉट वायर गैल्वेमीटर. एक ऐसा गैल्वेमीटर जो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड ही ना करे, क्योंकि यहां तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से सब टॉर्क वॉर्क लग रहा था, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, एक सेकंड में 50 बार, उसकी एवरेज वैल्यू जीरो तो जीरो बना रहेगा. हॉट वायर गैल्वेमीटर हीट पे बेस्ड होते हैं, करंट कहीं पे भी चले वो हीट रीड कर लेंगे. तो अब सेम सर्किट में मैं एक ऐसा गैल्वेमीटर लगाऊं, एक ऐसा अमीटर लगाऊं जिसको कोई मतलब नहीं कि करंट इधर जाए चाहे इधर जाए, ये हीट को सेंस कर रहा है. तो ये करंट इधर जाए चाहे इधर जाए, जो लीडिंग हुई और दो उसको उसने ऐड कर लिया. अब जब हीट की बारी आती है तो ये क्या देगा, तुमको मालूम है कि अब हीट की जब बारी आती है तो हीट तो आई स्क्वायर आर से निकलती है, तो ये आई की एवरेज देगा कि आई स्क्वायर की एवरेज देगा. और आई स्क्वायर की जो एवरेज होती है वो मुझे बताओ आई नॉट होती है या आई एवरेज होती है या आई आर एम एस होती है. हाँ, हॉट वायर गैल्वेमीटर सर्किट में जब भी लगाए जाते हैं तो वो आरएमएस वैल्यू देते हैं, आरएमएस वैल्यू देते हैं. इसका मतलब है कि मैं अगर अपने घरों में, मैं अपने घर में अगर ये हॉट वायर गैल्वेमीटर लगाऊंगा, जो हम लोगों के इलेक्ट्रीशियंस के पास होता है वो हॉट वायर गैल्वेमीटर है, तो हमारे घरों में आता है वोल्टेज 220√2 sin 100 πt. लेकिन अगर तुम कभी भी तुम इलेक्ट्रीशियन के वोल्टमीटर से चेक करोगे, वो हॉट वायर वोल्टमीटर होता है, अगर इलेक्ट्रीशियन के वोल्टमीटर से चेक करोगे हॉट वायर वाले से, तो मुझे बताओ वो 220√2 देगा, एवरेज देगा कि आरएमएस वैल्यू रीड करेगा. हाँ, वो रीड करेगा 220√2/√2, यानी कि 220 वोल्ट. इसलिए हम लोग अपने घरों के वोल्टेज को 220 वोल्ट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एसी सर्किट में जो गैल्वेमीटर लगा जाते हैं, चाहे वो वोल्टमीटर के हो चाहे वो करंट के हो, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं. इसीलिए आरएमएस को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द सर्किट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी. इसीलिए आरएमएस को इफेक्टिव बोलते हैं कि 220√2 का मतलब ये है कि ये वोल्टेज तो भैया ऐसे ऐसे बढ़ के 220 तो पता नहीं कब छूट जाता होगा, ये 220√2 है तो 220 से ज्यादा भी होता है वोल्टेज, तो रूट टू की वैल्यू 1.414. लेकिन जब तुम वोल्टमीटर लगाओगे तो 220 बताएगा, सिर्फ 220 बताएगा, आरएमएस बताता है, क्योंकि करंट की भी आरएमएस पता चलती है. तो अगर कोई सर्किट मिले तुमको आज के बाद से एसी में और उसमें गैल्वेमीटर लगे और कुछ ना लिखा हो तो हॉट वायर ही मानना, तो हमेशा याद रखना आरएमएस. और अगर मूविंग कॉइल लगे हो तो जीरो, सीधे सीधे जीरो, हॉट वायर लगे हो तो आरएमएस. बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? यस सर. हाँ, लिख लो सर. हीट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है क्या? फिर से बोलो बेटा सर. ये हॉट वायर गैल्वेमीटर, हाँ, हीट पे, इसीलिए हॉट वायर गैल्वेमीटर नाम है क्योंकि हीट के प्रिंसिपल पे. अब इसका इंटरनल मैकेनिज्म है नहीं अपने उसमें सिलेबस में कि क्या कैसे बनता है, बट तो हम डिस्कस नहीं कर रहे. मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर तो होता है पर ये अपने सिलेबस में नहीं, बट ये हीट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. आरएमएस वैल्यू क्यों कंसीडर करते हैं सर? क्योंकि बेटा जैसे हीट, इस गैल्वेमीटर ने हीट सेंस करनी है. हीट तुमने अभी थोड़ी देर पहले किया था सर्किट में, आईआरएमएस का स्क्वायर आर होती है, ये देखो है ना. तो अगर तुम कोई भी जो आर, तो देखो फिक्स है, कोई भी जो तुम्हारा गैल्वेमीटर पूरी हीट अगर मेजर करे तो पूरी हीट कितनी होगी? तो पूरी हीट होगी आई स्क्वायर आर डीटी. ये हीट है, ये पावर है, ये टाइम है,
ये पर सेकंड में इतनी हीट पैदा हुई थी, डी टी सेकंड में इतनी हुई, इसको जोड़ दो इतनी टोटल हीट है। अब टोटल हीट ये एक जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये इसको ऐसे ऐसे इसको बता रहा है, इसको ऐसे रीड कर रहा है वो आई स्क्वायर आर, एक ही करंट की वैल्यू बता रहा है। आर से आर कट गया तो आर से आर कट गया, यहाँ पे टाइम भी कर देता हूँ, आई स्क्वायर आर तो पावर है, यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड रख देता हूँ। तो हमें जो मिल रही है करंट आई डी सी का स्क्वायर वो मिल रही है इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी, और इसका ये डी सी स्क्वायर था तो यहाँ ले आओ तो अंडर रूट, और ये बेटा यही तो होता आर एम एस करंट, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी अंडर रूट। पावर कंजम्पशन में आई स्क्वायर आता है ना, आई आई का एवरेज जीरो है, आई स्क्वायर के एवरेज को ही तो आरएमएस बोलते हैं। ये एक सिंगल एवरेज वैल्यू देता है, सिंगल एवरेज वैल्यू दे देता है क्योंकि पावर तो घटता बढ़ता रहता है, तो एक सिंगल एक साइकिल की पावर कंजम्पशन के हिसाब से जो एवरेज वैल्यू आएगी वो दे देता करंट की, और वो हमेशा आरएमएस होगी। वोल्टेज के सेंस में वी स्क्वायर बाय आर, वी की एक सिंगल वैल्यू देगा जो सेम पावर दे तो वो आरएमएस वैल्यू देगा। इनको बोलते हैं हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। आज के बाद से याद रखना एसी सर्किट का करंट या वोल्टेज मतलब ना उनका पीक, ना उनका इंस्टेंटेनियस, ना उनका एवरेज, और ओनली ओनली आरएमएस। बोलो बेटा ये लिख लिया तो आगे बढ़ू? यस हाँ सर। चल तो दूसरा करते हैं सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सेम सर्किट है, सेम सोर्स है, इस बार कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर लगे होने से क्या बदल गया तो स्टेप वाइज स्टेप सब बताऊंगा, लेकिन पहले ये एक काम करते हैं, ये है कैपेसिटर और ये इसमें गया वोल्टेज। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, देखो ये एसी वोल्टेज है और ये ऐसे वेरी करता है, जीरो से मैक्सिमम जा रहा है लेकिन अभी पॉजिटिव है जीरो तक आने तक। तो जब ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये वाली जो प्लेट है कैपेसिटर की जो कनेक्टेड है सोर्स से वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो कैपेसिटर में कुछ चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। बट जैसे ही ये वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा तो वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा तो देखो भाई ये अगर तुम्हारा यहाँ पे निगेटिव आ गया तो ये वाली प्लेट इससे वायर से कनेक्टेड है, सेम वायर सेम पोटेंशियल, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव भी आ जाएगी, फिर ये वाली पॉजिटिव आ जाएगी। तो आधी साइकिल के लिए कैपेसिटर में ये प्लस माइनस, आधी साइकिल में ये प्लस माइनस, और ये तभी हो सकता है कि जब पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, फिर वो चार्ज निकल के जीरो हो जाए, फिर इतना निकल जाए कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो लगातार ये जब होता रहता है तो लगातार कैपेसिटर पे भी चार्ज चलते रहते हैं, कभी पॉजिटिव तो चार्ज आ रहा है और नेगेटिव तो चार्ज जा रहा है, कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया, तो इस तरह से लगातार एक करंट चलती रहती है, लगातार एक करंट चलती रहती है। बट कैपेसिटर है और बिल्कुल प्योर कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई ड्यूलिटी नहीं। कभी तुमने कैपेसिटर में कभी सुना है कि हीट कंजम्पशन का फॉर्मूला? कोई नहीं सुना। वो जो क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ सी वी स्क्वायर होता तो हीट कंजम्पशन थोड़ी ना होता था, वो तो एनर्जी स्टोर होती थी। तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा, सोर्स को वापस भी दे देगा, फिर स्टोर करेगा वापस कर देगा, लेकिन लॉस नहीं करेगा, जो कुछ है यहीं भीतर ही रहेगा। अब वो देखो उसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करने जा रहा हूं, मैं एच ऑफ लॉ लगाने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि किसी मोमेंट पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो बोलो किरचॉफ लॉ से इक्वेशन क्या बनेगी? वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इस प्लेट से नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से नीचे नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो एक वोल्टेज का लॉस होगा माइनस का क्यू बाई सी, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। बोलो ये किरचॉफ लॉ सही लिखा है? यस। तो ये बन गया वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो ये बन गया Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो चार्ज साइनोसॉइडल आ रहा है, यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज ऐसे ऐसे चेंज होगा, जीरो भी होगा बीच में कभी कभी, जीरो भी होगा लेकिन हमेशा परमानेंटली जीरो नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस जीरो होगा। करंट क्या होती है सर्किट में? तो अगर किसी मोमेंट पे Q चार्ज था और dt टाइम में dq चार्ज और आ गया, यहाँ पे dt टाइम है और dq चार्ज और आ गया, तो करंट को dq by dt लिख सकते हैं, क्यों तो वेरिएबल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट।
डी क्यू बाई डी टी इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा और आ जाएगा। बोले बेटा ये लिख लो तो फिर आगे बढ़ू अगले पेज में। अच्छा जैसे मुझे ये बताओ, जैसे एक कैपेसिटर है तो उस पे वोल्टेज को क्यू बाई सी लिख सकते हैं? हाँ सर ये ठीक। हाँ अब क्या करो, ये एक एसी सर्किट है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है वी नॉट, और ये एक कैपेसिटर है, और उसको कैपेसिटर ना समझो, तुम ये समझो कि यहाँ पे एक वोल्टेज लिखा है क्यू बाई सी, और किरचॉफ लॉ कहता है कि सब जोड़ जोड़ा के जीरो आएगा, तो यानी कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं प्लस वी नॉट, तो यहाँ पे मैं माइनस क्यू बाई सी लिख सकता हूँ। तो वही लिखा मैंने वी नॉट डायरेक्शन। हाँ हाँ डायरेक्शन डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू, आपने पहले चीज क्या लिखा है? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बस इतना ही लिखा है। ये ये ओमेगा डन सर, लिख लिया सबने ठीक। तो अगला अगला देखो आया क्या था मेरा, ये आया था कुछ ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी आया है। कॉस ओमेगा टी को ये लिख सकते हैं? यस। अच्छा तो फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, और फिर ये भी लिख सकते हैं, इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करके बस मुझे ये बताओ जेड कितना फाई कितना? जेड पाई बाय टू। हाँ जेड वन बाय ओमेगा सी। हाँ हाँ अब जेड यानी कि इम्पीडेंस। अब मैं तुमको सिर्फ एक लाइन बोलूं बेटा कि ये कैपेसिटर की वजह से आने वाला कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और तो कुछ है ही नहीं सर्किट में, तो इंडक्टर है ही नहीं तो कहां से दे देगा, रेजिस्टर है ही नहीं तो कहां से दे देगा। तो आज के बाद से कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये जो आई नॉट है ना, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं आई नॉट को सीधे वी नॉट बाई जेड, तो कंपेयर करना तुम आसान हो जाएगा। जेड की वैल्यू यानी कि एक्ससी की वैल्यू साफ साफ दिख रही वन अपॉन ओमेगा सी, और फाई दिख रहा है पाई बाई टू। और कैसा पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू की प्लस पाई बाय टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस प्लस करंट आगे आगे, वोल्टेज पीछे पीछे, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंपेडेंस वन अपॉन ओमेगा सी। इतने तक लिख लो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, बट इतने तक समझ में आ गए सबको? सर इससे पहले पहले स्लाइड एक सेकंड दिखा दीजिए। हां देख लो, सर यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस हीट लॉस हाफ सीवी स्क्वायर नहीं है बेटा? हाफ सीवी स्क्वायर कभी हीट लॉस होता ही नहीं था, एनर्जी स्टोर्ड होता था, स्टोर्ड एनर्जी लॉस कभी नहीं होता था, कैपेसिटर कभी एनर्जी लॉस नहीं करता, स्टोर्ड करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, स्टोर करता था हाफ सीवी स्क्वायर। लॉस कब कराया? सर नेट वर्क डन सीवी स्क्वायर होता था सर, हाफ स्टोर होता है हाफ। हाँ, तो हाफ सीवी स्क्वायर लॉस होता था रेजिस्टेंस में, और यहाँ पे सर्किट में प्योरली कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कितना? जीरो। प्योरली रेजिस्टिव मतलब प्योरली कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो जो हाफ सीवी स्क्वायर लॉस होता था तो उसकी अगली लाइन क्या बोलते थे याद है? बोलते थे कि वो कनेक्टिंग वायर में लॉस हो रहा है, कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस है इसलिए लॉस हो रहा है, यहाँ कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो मान लिया गया, तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। देख लिया सबने? यस सर। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। गुड नाइट सर। नाइट।